आज का प्रेरणा पाते शाश्वत सुख। देखिए सुख दो तरह के होते हैं, एक टेम्पररी सुख और एक परमानेंट सुख। हमको अच्छा भोजन मिल गया, हमको धन मिली, दौलत मिली, मकान मिला, अच्छी पत्नी मिली, अच्छी संतान मिली, तो हम खुशी हो गए। ये टेम्पररी सुख है। हर संजोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ है, तो ये संजोग हमको आज मिले हैं वो हमारे पुण्योदय के कारण है। लेकिन पुण्योदय हर क्षण नहीं होता है, पुण्योदय के बाद पापोदय आता है, पापोदय के बाद पुण्योदय आता है। ये धूप छांव की तरह जो है बदलते रहते हैं, क्योंकि हर क्षण हर वस्तु बदलती है, बदलना ही सृष्टि का नियम है। तो ये तो हमारा एक टेम्पररी सुख हुआ, लेकिन जब हम टेम्पररी सुख के अंदर और जो है वो सुख और दुख के पलड़े के अंदर झूलते रहते हैं, तो हम अनुभव करते हैं कि हमको एक परमानेंट सुख मिल जावे, कि बार बार हमें दुख की अनुभूति नहीं करनी पड़े। तो बंधुओं, वो शाश्वत सुख हमारी आत्मा का लक्षण है, वो हमारी आत्मा का गुण है, वो आत्मा की प्रॉपर्टी है, वो बाहर कहीं नहीं मिलता है। उसको ज्ञाता दृष्टा भाव में जानना, उससे संपर्क करना और उसकी भजना करने से जो है हमको शाश्वत सुख मिलता है। और जब आत्मा सब कारमण शरीर कॉजल बॉडी लिंग शरीर को पूर्ण रूप से निर्जरा करके समाप्त कर लेती है, तो वह परमानेंट सुख शाश्वत सुख है, ब्लिस से हमको प्राप्त हो जाता है, वह मोक्ष की अवस्था होती है। फिर कभी भी दुख नहीं मिलता है हमको। 84 लाख जीवा प्राण, 84 लाख योनियों के अंदर चार गति में घूमना है, यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। तो शाश्वत सुख को प्राप्त करना चाहते हैं आप, तो जो है हमारे प्रभु, हमारा चेतन, हमारी आत्मा है, उसके गुणों को पहचानो।